लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी। वो बात ये थी कि जब भी कोई बॉडी सम मास रखती है और इन सर्कुलर पाथ रोटेट करे विद सम लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसके मास और लीनियर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे लीनियर वेक्टर लीनियर मोमेंटम और रेडियस ऑफ द सर्कल के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि हमने कहा कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो आर पी साइन थीटा के इक्वल होता है। और हमें ये भी मालूम था कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम पी है वो हमारे आर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर मिलता है, कि हमारा लीनियर मोमेंटम हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 90 पुट करने से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो फाइनल एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन बनता था वो आर पी था। और इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था उसे हम लोगों ने आई ओमेगा कहा था, जो हमारा लास्ट था जिसे हम लोगों ने फाइनल एक्सप्रेशन कहा था। अब बात ये है एक्सप्रेशन, अब एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ टाइप्स होती हैं, इसके बारे में डिस्कस तो हम पिछली वीडियो में ही कर चुके हैं। अब हमें इसकी टाइप्स के बारे में बताना है कि एंगुलर मोमेंटम एल जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। ये दो तरह का मोमेंटम होता है, एक जिसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसे मैं यूँ लिख देती हूँ कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। दूसरी टाइप इसकी स्पिन है जिसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब इनकी दोनों टाइप्स को बारी बारी डिस्क्राइब करते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हर बॉडी जिसका हर रिजिड बॉडी है सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई भी ओवल शेप की किसी भी टाइप की बॉडी है उसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होता है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को की दोनों टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी बॉडी ले लूं, जैसे कि अगर मैं अर्थ और सन की एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहूं तो ये हमारा फर्ज करते हैं कि हमारा सन है जिसके अराउंड हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। ये एक ऑर्बिट बना लेते हैं हमारे सन के अराउंड कुछ इस तरीके से। और ये अर्थ है जो इन अ सर्कुलर पाथ मूवमेंट कर रही है सन के अराउंड। हमारी जो अर्थ है ये सन के अराउंड इन अ ऑर्बिट मूव करती है। ये सन है हमारा, ये हमारी अर्थ है जो सन के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो कर रही होती है। तो हमारी जो अर्थ है एक ऑर्बिट में मूव कर रही है और ये ऑर्बिट में इस वजह से मूव कर रही है कि जो सन है ये सन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमारी अर्थ के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सन इसे एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी बदौलत ये जो अर्थ है ये इस ऑर्बिट के अंदर मूव करने के काबिल हो जाती है। और ये फोर्स हमें मालूम है कि ये फोर्स जो सन इसे प्रोवाइड कर रहा है ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करने के लिए उसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अब सन हमारी अर्थ के लिए वो फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है। और इस फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आर होता है, आर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इन अ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में मूव करती है सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के। इस सिचुएशन में जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है यानी कि इस पूरे के पूरे सर्कल का ये जो रेडियस है देखा जाए तो ये हमारी अर्थ के मुकाबले में कितना बड़ा है, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस है आर और ये हमारी छोटी सी अर्थ है। तो इस अर्थ के साइज के मुकाबले में ये जो रेडियस है ये काफ़ी बड़ा होता है। और जो हमारी अर्थ है वो इस फिक्स और अर्थ का ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारी बॉडी के अंदर से पास नहीं करता बल्कि ये सेंटर पर होता है, किसके सर्कल के, उस सर्कल के सेंटर में ये होता है जिसके जिस सर्कल के अराउंड हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो दो पॉइंट्स मैं समझाना चाह रही हूँ, एक ये कि जो रेडियस होगा इस सिचुएशन में इस सर्कल के दौरान वो रेडियस हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के जो इन अ सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है उससे हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि अगर कोई कार इन अ सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी कार उस दायरी इलाके के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई मैस या कोई कार मूव करे
और ये सेंटर हो तो ये कार और आर ये रेडियस है, तो इस रेडियस के मुकाबले में तो ये हमारी कार या जो भी बॉडी मूव करी है तो कितनी छोटी है। तो इसी तरह से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारी अर्थ जो है वो सन के मुकाबले में तो बहुत छोटी है। तो जब वो छोटी है तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं वो तो अर्थ के साइज से बड़ा ही होगा, और हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं पास करता बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस सर्कल के सेंटर से पास करता है। और हमें यह भी मालूम है कि हमारी अर्थ की रिवॉल्वमेंट की वजह से यानी कि हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करती है ना सर्कुलर पाथ, तो इसकी जो रेवोल्यूशन है उसकी ही मदद से हमारी जो है फॉर्मेशन ऑफ डेज और नाइट फॉर्मेशन ऑफ ईयर होते हैं। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ईयर, क्योंकि जो अर्थ है उसने ये कंप्लीट सर्कल जो ये सर्कल है कंप्लीट करना है इन 365 डेज में। हमारी अर्थ की जो रोटेशन है यानी कि वन रोटेशन जो है अर्थ की वो 365 डेज के इक्वल होती है, तो एक पूरा साल जो है वो 365 डेज के इक्वल होता है। तो अर्थ की ये जो मोमेंट है जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये जो है अर्थ का ये इसी की बदौलत, इसी मोमेंटम की बदौलत हमारी अर्थ जो है ईयर बनाती है, एक साल बनाती है, तो इसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए तीन चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा होगा। दूसरी बात ये कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे ऑब्जेक्ट से कभी भी पास नहीं करता। तीसरी बात ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो रोटेट करता है। और इस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग अर्थ की एग्जांपल हैं तो अर्थ की रिवॉल्वमेंट या इसकी जो ये रोटेशन करती है इसकी रोटेशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ डे ईयर्स होते हैं। अब हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अगर अर्थ की ही एग्जाम्पल का कंसिडर किया जाए तो ये हमारा वही सन है जिसके अबाउट हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। ये वो हमारा सन है, ये सन, और ये वो ऑर्बिट जिसके अबाउट हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है, ये हमारी अर्थ है। इसे हम लोग अर्थ बना लेते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके अबाउट जो है हमारी अर्थ रोटेट करती है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के साथ साथ सन के अराउंड तो रोटेट करती है और एक और चीज़ अर्थ अर्थ में जो होती है वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अर्थ ना सिर्फ सन के एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि सन के अराउंड रोटेट करती है बल्कि ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड भी रोटेट करती है। ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ इस तरह से मूवमेंट शो करती है कि सन के साथ साथ भी मूव करती जाती है और साथ साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती जाती है, यानी कि सन के अराउंड भी रोटेशन शो करती है, ऐसा ऐसा मूव करती चली जाएगी और साथ साथ ही अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन शो करती चली जाती है। और ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जिसे हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम में रेडियस ऑफ द जो और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो ये ऐसा एंगुलर मोमेंटम है जो कि उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सेंटर से पास कर रहा है ना इस बॉडी के लिए ऑब्जेक्ट के लिए, तो अब ये अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है। तो जब कोई चीज़ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसे उसकी स्पिन मोशन कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में अर्थ की जो स्पिन मोशन है वो ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे रेडियस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब देखा जाए तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है इस पोजीशन में, ये अगर मैं अर्थ बनाऊं और ये अर्थ को कंसीडर करूं तो ये रेडियस है। अब देखा जाए तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस तरह से है, इसे थोड़ा सा इस तरीके से हमारा जो है स्पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस बॉडी के लिए। तो अगर इस पे गौर किया जाए, अगर इसे अर्थ में कह दूँ अर्थ, इस पे गौर किया जाए तो ये जो रेडियस है इस बॉडी के लिए रेडियस इसके साइज से तो छोटा है, ये रेडियस अर्थ के साइज से छोटा है, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम में रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। और हमारी जो अर्थ है जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो हमें कहना चाहिए कि इस सिचुएशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करता है। यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें जो बातें याद रखनी है वो ये कि जो रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का वो उस ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में छोटा होता है।
दूसरी बात ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उस बॉडी के सेंटर से पास करता है। और तीसरी बात ये कि अगर हम लोग अर्थ की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं तो अर्थ की स्पिनिंग की वजह से, अर्थ की जो स्पिन मोशन होती है इसकी वजह से हमारे फॉर्मेशन ऑफ डेज और नाइट होते हैं। अगर ये एंगुलर मोमेंटम शो करती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ ईयर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये स्पिन मोशन भी शो करती है, तो इसकी वजह से फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट होते हैं, और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये स्पिन और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस है कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करे तो इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, लेकिन अगर वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन शो करे तो ये उस बॉडी की स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, इसे उस बॉडी का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।